बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह पाक का शुक्र और मदद के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करने के लिए आपका दोस्त फहद शाह हाजिर है। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, आप लोगों को तो पता ही है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वीडियो है, ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी और यूज़फुल होगी कई लोगों के लिए। इंफॉर्मेटिव उन लोगों के लिए होगी जो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, और उनको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो ये हमारे घर हैं, इसमें हम कीड़ों से बचने के लिए कैसे हम पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं, यानी कैसे हम स्प्रे करवाते हैं, और इधर कौन कौन से कीड़े आ जाते हैं जिसके लिए हमें स्प्रे करवाना ज़रूरी होता है साल में एक बार और पाँच साल में एक बार, यानी हर साल और पाँच साल के बाद। हर साल जो है ये मकड़ियों का, कॉकरोच का, चूहों का या इस किस्म के छोटे छोटे कीड़ों का स्प्रे करते हैं, और पाँच साल के बाद दीमक का स्प्रे करवाया जाता है। तो चार दिन पहले मैंने अपने घर में करवाया है स्प्रे, बहुत ज़बरदस्त स्प्रे किया उन्होंने, फाइव स्टार पेस्ट कंट्रोल। भाई को भी पसंद आया तो आज हम भाई के घर जा रहे हैं, वहाँ जाके जो है ना पेस्ट कंट्रोल ये करवाएंगे। और यूज़फुल उन लोगों के लिए होगा जो पर्थ के अंदर है, कि अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं इंशाल्लाह वो देखें, और उन्होंने अगर तो पेस्ट कंट्रोल करवाना है तो 100% मैं रिकमेंड करूँगा फाइव स्टार पेस्ट कंट्रोल मिस्टर बिलाल साहब को, कि उन्हें कॉल करें और उनसे कोटेशन लें और उनसे अपने घर का पेस्ट कंट्रोल करवाएं। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, काम अच्छा लगा इसलिए मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो वीडियो को आगे लेके जाने से पहले अगर तो आपने मेरे वीडियोस को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। मैं अभी वेट कर रहा हूँ उनके आने का, जैसे वो आते हैं तो फिर हम चलेंगे। अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी तो इसलिए मैं अभी घर में बैठ के थोड़ा सा कंप्यूटर पर काम करने लग गया था। तो फिर पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं। सर आपकी दुआएं फाइनली रंग ले आई हैं। अच्छा, तो इन्होंने हमारा गैराज में सारे ये होल यानी कि छेद कर दिए हैं, फुल छन्नी छन्नी कर दिया घर को। अब गैराज से निकल के जो है ना ये साइड पे आए हैं, ये गैलरी की है फ्रंट की, बैकयार्ड करके आप दूसरी साइड पे जा रहे हैं। हमारा घर नया बना हुआ है, ठीक है, लेकिन हमसे मिस्टेक ही हुई कि हमने जो है इसमें रिट्रिक सिस्टम ही डलवाया। अगर तो हम रिट्रिक सिस्टम लगवा लेते ना तो ये हमें होल ना करने पड़ते। रिट्रिक सिस्टम ये होता है कि वो पूरे आपके दीवार के फेंस के साथ साथ जो है ना पाइप डाल देते हैं, और उस पाइप से आप एक साइड पे कनेक्ट करें वो सारा केमिकल पूरे घर में चला जाता है। और ख़ास तौर पे ये एक मेरी एडवाइस है सब लोगों के लिए जो नया घर बनवा रहे हैं, और स्पेशल उन लोगों के जो कि एरीगेटेड वो लगवाते हैं स्लैब वगैरह फ्लोर करवाते हैं, वो तो मस्त जो है ना ये रिट्रिक सिस्टम लगवाएँ, क्योंकि अगर तो उसमें होल होगा तो वो पूरा ख़त्म कर देता है, ख़राब कर देता है। अब इसमें होल हुए हैं लेकिन इतना फील नहीं हो रहा, एग्रीगेटेड में बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो मेरी ये पर्सनल एडवाइस है कि आप लोग अगर तो एग्रीगेटेड लगवा रहे हैं तो उसमें 100% आप रिट्रिक सिस्टम लगवाएं, और अगर आप ये भी लगवा रहे हैं तो बेहतर ये नया घर बनवा रहे हैं तो उसमें रिट्रिक सिस्टम लगाएँ। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा होगा लेकिन आपके लिए लाइफ लॉन्ग जो है ना काम अच्छा हो जाएगा। अब ये देखें पूरे घर में थोड़े थोड़े इतने इतने गैप के बाद जो है ना होल किए हैं, और अच्छा डीप होल हुआ है। अब जब इसके अंदर इंजेक्ट करेंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इंजेक्शन स्टार्ट हो गया है, और ये 2.5 to 3 liter जो है ना ये पर होल में इंजेक्ट करेंगे। ये देखें ये दवाई जा रही है नीचे, ये इतने करीब करीब इसलिए बनाई है 2.5 to 3 liter इसलिए देते हैं कि जब दोनों सुराख के अंदर मीन्स के एक साथ दो सुराख में जाते हैं तो नीचे से वो आपस में मिलता जाता है, तो वो एट दी एंड वो पूरी जो है ना बॉडी के साथ 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 ये सारी मेडिसिन इंजेक्ट हो जाती है।
अब इस टाइम हमारे गैराज में स्प्रे स्टार्ट हो गया है, इसमें मकड़ियों का, कॉकरोच का, क्रिकेट का और बाकी छोटे छोटे जो कीड़े हैं उन सब का स्प्रे हो रहा है। दो मिनट पहले स्प्रे हुआ है और आप उसका रिजल्ट देखें कितना क्विक है, मकड़ियां सारी जो है ना ये बाहर आना शुरू हो गई है। ये देखें रेड बैक, ये मकड़ी है, ये इधर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक मकड़ी कहलाई जाती है। ओहो अभी तो ये ज़िंदा भी है, स्प्रे हुआ है और ये अपने वेब से देखें बाहर निकल के आई है। ये जो स्प्रे हमारा चल रहा है ये अब चूंटियों के लिए है, आंट्स स्प्रे है, ये बहुत ज़बरदस्त स्प्रे है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये, इंशाल्लाह एक साल तक जो है ना अब यहाँ पे चूंटियों को आने नहीं देगा। ये थ्रू आउट पेविंग पे, फेंस पे और वॉल वगैरह पे भी कर रहे हैं, इसी तरह जो है ना क्यारी वगैरह पे करेंगे क्योंकि क्यारी में भी काफ़ी होते हैं और बहुत ज़बरदस्त स्प्रे हो जाएगा। अब इसके बाद स्प्रे तो हो रहा है, बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। वो जो चोटियाँ जो हैं, जो आंट्स हैं, वो जो सारी सैंड निकाल देती हैं बीच में से पेविंग के, वो नहीं निकलेगी अब, क्योंकि ना वो आएंगी ना निकलेगी। बिलाल साहब छत पे जाने के लिए तैयार हैं, वहाँ जाके सारे इंस्पेक्शन करेंगे और फिर वहाँ पे पाउडर स्प्रे करेंगे मकड़ी वगैरह के लिए और क्यों। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। काम
वंस अगेन बिलाल साहब का फाइव स्टार पेस्ट कंट्रोल, इनका बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ही आराम से काम करते हैं। सुबह स्टार्ट हुए थे तो अब देखें अब रात हो गई है, अब इनका काम सारा फिनिश हुआ है। अगर आपको इनका वर्क पसंद आया हो तो मैं इनका नंबर नीचे भी दूंगा, आप इनको कॉल करें, कॉल करें, कोटेशन लें और अपना पेस्ट कंट्रोल भी करवा लें। खुश रहें, खुश रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।